हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज और मैं हूं रुचिका। तो रुचिका, आज हम कहां आए हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको एयरपोर्ट दिख रहा है, तो अभी हम एडमंटन एयरपोर्ट में हैं और पार्किंग में अभी हमने गाड़ी पार्क की है और देयर इज समबडी स्पेशल हु इज कमिंग हियर। तो देखते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। ये अभी सस्पेंस है, शायद आपको इसके टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि कौन आ रहा है, बट वी कीप इट सीक्रेट राइट नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू पिक देम अप। राइट, तो ये हमने अभी पार्किंग लॉट है यहाँ पे गाड़ी लगा ली है टर्मिनल 2 का। अराइवल्स पे आ चुके हैं, तो देखते हैं अभी अंदर जाके कि एयरपोर्ट कैसा है और फिर मिलते हैं जो आए हैं इतनी दूर से लंबा सफर करके, और फिर पूछते हैं कि सफर कैसा रहा। और अच्छी बात यह है कि मौसम आज बहुत अच्छा है, जैसे कि आप पता ही आपको कि एडमंटन का वेदर काफ़ी ठंडा रहता है, बट फॉर्चुनेटली ये पूरा वीक वेदर बहुत अच्छा रहा और आज भी धूप निकली हुई है, तो लेट्स सी कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, ट्रैवल करने वालों की ये किस्मत है क्योंकि 2 हफ्ते पहले यहाँ पे -20 -30 चल रहा था और अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन भी यही है कि -20 में चला जाएगा टेम्परेचर, लेकिन आज का टेम्परेचर काफ़ी ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं मैं सिर्फ टी शर्ट में हूँ और रुचिका ने हल्की सी जैकेट पहनी हुई है। यूजुअली ये इस टाइम पे ऊपर ऐसा वेदर देखने को हमें नहीं मिलता, लेकिन अब यहाँ पे है तो उनकी किस्मत है। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसा है एयरपोर्ट और पिक करते हैं उनको। लेट्स गो। फ्रंट कैम ऑन, ये हम जा रहे हैं पार्किंग लॉट से और एयरपोर्ट की तरफ। ये रुचिका है। क्योंकि नहीं तो बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि स्नो की वजह से सड़क काफी स्लिपरी होती है, बट आप देख सकते हैं कि अभी बर्फ काफी कम है यहाँ पे। ये तो वैसे भी इंडोर है रुचिका। बाहर हाँ, उसके ऊपर देख सकते हैं आप, ये जो नीली वाली है कवर सा, उसके ऊपर बर्फ नहीं है, लेकिन यूजुअली यहाँ पे बर्फ होती है इस टाइम के ऊपर। ये स्टेयर्स हैं, नहीं नहीं सही है रुचिका, इधर से ही जाएंगे। ये देखो ना, ये यहाँ से जाएंगे उस तरफ, चलें फिर। कौन सा था फ्लोर? ये P2 है। ओके, ठीक है। पार्किंग लॉट 2 में लगाई है हमने, पता चल जाएगा हमें। तो ये हम उतर गए हैं नीचे, अब हम करेंगे सड़क क्रॉस। रुचिका ध्यान से उधर से निकलते हैं, यहाँ आ जाओ पहले, इधर तो हो, यहाँ पे भी है ना, तो ये तो डिपेंड करता है हम किस पे जा रहे हैं। हाँ, चलें फिर, लेट्स गो। ये है कैलगरी एडमंटन, ये देखिए ये बस भी जाती होगी जो एडमंटन में उतरे हैं उन्होंने, अगर कैलगरी जाना है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो गेट नंबर 9 से हम अभी एंटर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, हमें फ्लाइट ढूंढनी पड़ेगी, उनकी फ्लाइट एयर कनाडा की है। मुझे लगता है वो लोग खड़े हैं, वो देखो वो टोरंटो वाली फ्लाइट। ये रही हमारी, ये है यहाँ पे खाने पीने की जगह एयरपोर्ट के अंदर। तो ये हम डायरेक्टली अराइवल टर्मिनल पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे खाने वाली चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से, और मुझे लगता है यही है फ्लाइट रुचि का। तो लेट्स वेट हियर, तो काफी लंबा सफर उन्होंने किया है, अब देखते हैं उन्होंने उनका क्या रिव्यू रखता है इस सफर के बारे में। और ये फर्स्ट टाइम इन कनाडा, उनका फर्स्ट ट्रिप है, और फॉर्चुनेटली हम भी जब पहली बार कनाडा आए थे तो टोरंटो लैंड किए थे, और उनका भी यही है कि पहली बार वो टोरंटो आए हैं एंड थोड़ा टाइम 3-4 घंटे वहाँ पे स्पेंड करके आगे कनेक्टिंग फ्लाइट ली है एडमंटन के लिए। तो लेट्स सी, काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है जैसे कि आपको पता ही है। हाँ, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है क्योंकि और सारा इतना टाइम फ्लाइट में बैठना बहुत टायरसम होता है, आप टांगे भी सीधी नहीं कर सकते क्योंकि हम बिजनेस क्लास में तो ट्रैवल नहीं कर सकते अभी। वैसे भी आप वेटिंग टाइम भी होता है एडिशनल टू फ्लाइट टाइम, तो उसके कारण भी थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ। तो देखते हैं कि कितनी एनर्जी बची है। लेट्स सी, देखते हैं वहाँ पर जाके कि चलो लेट्स गो। देखते हैं, आ जाओ गेट पे खड़े होते हैं फिर। वो है ना गेट,
ये रहा गेट एयर कनाडा का, नहीं ये बैगेज सर्विसेज है ठीक है, पता नहीं किधर से आ रहे हैं लोग। नहीं मैं वो नहीं करने वाला। अच्छा मुझे याद आ गया, मुझे लग रहा था ये मैंने जगह कैसे देखी हुई है, मुझे याद आ गया कि ये मैंने जगह उस लिए देखी हुई है जब मैं गया था ना वैंकूवर अकेला, तो उस समय पे मैं यहाँ से गया था, मेरी फ्लाइट का दिक्कत हो गई थी तुम्हें मालूम है ना। यस। तो फ्लाइट की दिक्कत हो गई थी तो मैं वापस जब आया था तो यहाँ से आया था। ओके। मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, हुआ क्या था कि मैं यहाँ से एयर कनाडा की फ्लाइट ली थी मैंने एडमंटन से वैंकूवर के लिए, लेकिन वो उन्होंने कैंसिल करके मुझे इवनिंग की फ्लाइट दे दी, मुझे जाना था मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो फिर मैंने उन्हें रिफंड रिक्वेस्ट किया था। और जो फ्लाइट उन्होंने दी थी हमें वो मीटिंग टाइम के बाद की थी, तो पॉसिबली नहीं रहा और सुबह जाके शाम को वापस आना था, तो इसलिए यही ऑप्शन थी कि रिफंड रिक्वेस्ट किया जाए या कोई और फ्लाइट ली जाए। तो हमने क्या किया था कि नीरज को रात को ही निकलना पड़ा, रात को 12 बजे निकला था और कैलगरी पहुंचा, कैलगरी से मैंने फ्लाइट पकड़ी फिर वैंकूवर की और मैंने वहां पे उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया और मुझे अपना रिफंड जो है उन्होंने दे दिया। ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने मतलब इस चीज़ को सॉल्व किया एंड वापसी हमने यहीं पे की थी। हाँ तो ये टिप है आपके लिए कि अगर आपकी फ्लाइट इस तरीके से अगर डिले होती है और आपको अर्जेंटली जाना है तो आप उनको कह दीजिए कि जैसे एडमंटन से कैलगरी, सिमिलरली टोरंटो से आप दूसरे शहर मॉन्ट्रियल जाके पकड़ सकते हैं फ्लाइट, या जैसे भी जो भी नियरेस्ट सिटी आपको पड़ता है तो फ्लाइट वहां से जाके पकड़ दीजिए और अपनी फ्लाइट का जो है रिफंड आप ले सकते हैं। एक्सपीरियंस भी शेयर करना जरूरी है बिकॉज बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है, कई बार फ्लाइट डिले होती है। मैंने आज तक कभी रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस जो काफी अच्छा रहा। काफी अच्छा था, वी आर वेरी हैप्पी। अब हम वेट कर रहे हैं, लेट्स सी, लोग काफी आ गए हैं यहाँ पे। शुड वी रिवील कौन आ रहे हैं या वेट करें पहले? वो देख ही लेंगे, वैसे भी इन्होंने थंबनेल वगैरह में तो पढ़ ही लिया होगा। यस यस। बट लेट्स वेट। क्या थक गई हो? नहीं गर्मी लग रही है अंदर। अच्छा सही है सही है, मुझे लग रहा है वो वहाँ पे होंगे अपने लगेज की वेट कर रहे। तुम फोन करके पूछोगी? क्या हुआ? That's the biggest challenge to find out कि लड़कियों के पास इतना बड़ा बैग होता है और उसमें फोन रख के फोन ही घूम जाता है, सामान ही घूम जाता है। छोटा ही है, मेरे ख्याल से मेरे जैकेट में होगा शायद। ओह माय गॉड। या जैकेट में है। सही है सही है। रुचिका कर रही है फोन, लेट्स सी। यहाँ पे ये अच्छा है कि हम लगेज तक पहुँच जाते हैं, अगर दिल्ली एयरपोर्ट या इंडियन का कोई एयरपोर्ट हो तो हम लगेज तक नहीं पहुँच सकते, अंदर ही नहीं जाने देते लगेज तो। हाँ, की बात है। हाँ। वो देखो पता नहीं, बस डैडी लैन लैन गए हैं। अच्छा अच्छा तो ठीक रहा सफर? और बात तो नहीं है बिल्कुल किस्सा। चलो ते ओ फिर किधर दी आणगे, किधर दी आए हैं? अच्छा ही तानू देखिया ही नहीं है, इतने कोई कदर नहीं है। अखा लाल हो जाए
ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨੱਤੇ ਨੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ तो कितनी देर बाद मिल रहे हैं हम चार साल से ज्यादा हाँ 2018 में हमारी मैरिज हुई थी और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए यूएस आ गए थे तो 2018 के दिसंबर में हमने इनको यूएस में बुलाया था फिर हम 2019 में हमने प्लान किया था ये 2019 की जनवरी में गए थे वापस तो हमने सोचा था दिसंबर में जाएंगे इंडिया वापस लेकिन हम जा ही नहीं पाए क्योंकि 2019 में ही लॉकडाउन लग गया और तब से यही है और फिर कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और जितनी छुट्टियां थी हम 14 डेज वो जो लॉकडाउन टाइम है वो उसको अवॉइड करने के चक्कर में जा ही नहीं पाए तो ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਵਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਵਨ ਐਸ ਵੈਲ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਇਟ ਯੈਸ ਵੀ ਡੋਨਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਕੇ ਚਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਵੇ ਕੋ ਲੈ ਲੈ ਨੀਰੇ ਜੈਕਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ पानी पीना होया था बॉटल लेके आई सी मैं थले ग्लास भी है डिस्पोजल असी थले देख लो जो प्यास लगी था रस्ते च रख लो अपने कोले चलो जा भाई बैठ जा तू चलो
अभी रुचिका तुम क्या बता रही थी, कौन आया है, तुमने बताना था? तो ये पेरेंट्स आए हैं, इन लॉज मेरे और नीरज के मम्मी पापा। तो काफी थक गए हैं, बहुत लंबा सफर था। तो जैसे कि आपको आपने स्टार्टिंग में सुन लिया होगा कि आईज रेड हो चुकी हैं, तो नींद पूरी नहीं हुई। किन्ने घंटे का सफर थी तुहाडा दिल्लियों? 26 घंटे समझ लो कि छड़े लग नहीं ए, आहो 4-5 उठे लगे 26 से। सीधा सीधा हिसाब है कि जलंधर से दिल्ली 8 घंटे 7-8 घंटे वो लगा लो, 17 आवर्स की फ्लाइट दिल्ली से टोरंटो की, और 2-3 घंटे का वहाँ पे स्टे भी होगा एयरपोर्ट के ऊपर, तो 17, 23, 24, 3 घंटे का स्टे, 26 घंटे वो हो गए। फिर उसके बाद 4 घंटे का स्टे इनका था टोरंटो पे, 30 घंटे, और 4.5 घंटे की फ्लाइट टोरंटो से एडमंटन की। काफी लंबा सफर पड़ गया, 35-36 घंटे लग गए, बट एनीवे चलो सफर खत्म हुआ, अभी घर जाएंगे रेस्ट करेंगे। कुड़ी बड़ी सोहनी मिली ना, उन्हें बड़ा बड़े मतलब समझाता या नक लाता मैं पलाता इतने तानु गिनती पता लग जाना टाइम का। चलो बढ़िया, अब पहुंच गए, अभी रेस्ट करेंगे जाके। चलो हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।